हाय एवरीवन, देखिए मैं आज आप लोगों को क्लास टेंथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कराऊंगा जो हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में हर साल 4 मार्क्स का जरूर आता है। क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल 2x^4 -9x³ +5x² +3x -1। हमारा ये जो पॉलिनोमियल है इसमें हमें दो जीरोस दे रखे हैं। वन, ये जो 2 ± √3 है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इफ वन जीरो इज 2 ± √3 और दूसरा हमारे पास क्या है 2 −√3। दो जीरोस दे रखे हैं, एक 2 + √3 और एक 2 − √3। पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे किस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस आएंगे। उससे पहले जीरोस का जानना बहुत जरूरी है। जीरोस का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी भी पॉलिनोमियल में उसका जो वेरिएबल x है, x की वैल्यू में ये वाला वैल्यू पुट कर दिया तो वो पूरा का पूरा उस पॉलिनोमियल से डिविजिबल है। अब कितने जीरोस आएंगे एक पॉलिनोमियल के, वो डिपेंड करता है उसकी डिग्री पे। हमारे पास इस पॉलिनोमियल का डिग्री, डिग्री मींस मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल में 4 है। दैट मींस यहां पे हमारे पास 4 जीरोस निकलेंगे जिसमें से 2 जीरोस हमें दे रखे हैं, बाकी 2 जीरोस हमें फाइंड आउट करने हैं। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक एक्स इतना है और एक्स इतना है, इसको एलएचएस में लेके आएंगे तो जो प्लस होगा वो माइनस और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। एक्स -2 −√3 एंड द अनदर वन इज x − 2 + √3। दो जीरोस है, जब ये दो जीरोस का अगर मैं इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास रिमाइंडर जीरो बचेगा। देखिए कैसे करते हैं। यहां पे आप देख रहे हो एक हमारे पास a, एक b, दिस वन इज a, दिस वन इज b, सो फाइनली हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गया a − b a + b। ये कितना बनता है, दिस इज a² - b². हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गया और जब मुझे ये आइडेंटिटी करना है सबसे पहले इसको देखिए सॉल्व करते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, सॉल्व करते हैं। a² - b² ये किसके बराबर रखेंगे आप? ये हमारे पास एक नया पॉलिनोमियल बन रहा है। अगर इस पॉलिनोमियल से मैंने प्रीवियस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया तो आंसर हमारे पास जीरो बचेगा। देखिए कैसे, दिस विल बी x² That means a minus b का whole square खोल रहे हैं हम क्या खोल रहे हैं? a minus b का whole square, which is a² + b² - 2ab। देखिए a² + b² That means 2 का whole square -2ab, 2 × 2 × x − √3 का होल स्क्वायर। रूट थ्री का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, √3 × √3 दैट मीन्स सिर्फ 3। इसको देखते हैं x² + 4 − 4x − 3 विच कम्स ओवर हियर x² − 4x + 4 − 3 + 1। हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल बच गया। अब अगर हम इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जीरो बच जाना चाहिए, वो हमें पता ही है। इफ दीज टू आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स रिमाइंडर विल बी जीरो ओनली। आप देखिए करते हैं एक बार, ये कौन से मेथड से डिवाइड करेंगे हम, ये हम डिवाइड करेंगे लॉन्ग टर्म डिविजिबल से। इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग x² − 4x + 1 से। देखिए कैसे करेंगे, अगर मैं इसको x² से करता हूं आपको ये तो पता ही होगा x² सबसे पहले स्टेप क्या करना है, ये 2x⁴ जो है इसको इस x² से डिवाइड करना है। अगर ये डिवाइड होगा तो ये बचेगा हमारे पास 2x² क्या बचेगा 2x² नाउ मल्टीप्लाई दिस टर्म 2x² विद दिस पूरे वाला पॉलिनोमियल और वो हम यहां पे नोट डाउन करेंगे। देखो कैसे 2x² × x² दिस कम्स 2x⁴ माइनस, बिकॉज दिस इज प्लस दिस इज माइनस, 2 × 4 = 8 x² × x = 8x³ एंड फाइनली +2x² आप सोच रहे होंगे मैंने इसको 2x² ही क्यों लिखा, मैं कुछ और भी तो लिख सकता था। बिल्कुल लिख सकते थे लेकिन हमको ये जो पहले वाला टर्म है इसको खत्म करना है, इसको कैंसिल आउट करना है। इसको कैंसिल आउट करने के लिए इस टर्म को किसी ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो पूरे के पूरे इस टर्म को कैंसिल कर सके। देखिए ये हमारे पास माइनस प्लस, साइंस चेंज हो जाएंगे, जो प्लस वो माइनस और जो माइनस वो प्लस।
ये कैंसिल आउट हो गया, यहां क्या बचेगा माइनस नाइन प्लस एट, दैट मीन्स माइनस एक्स क्यूब. नाउ फाइनली प्लस फाइव माइनस टू इज प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा प्लस थ्री एक्स माइनस. सिमिलर एक और स्टेप उठाना है, इस माइनस एक्स क्यूब को खत्म करना है. जब इस माइनस एक्स क्यूब को खत्म करना है, वही सेम स्टेप, माइनस एक्स क्यूब को डिवाइड करो एक्स स्क्वायर से, हमारे पास बचेगा माइनस एक्स. नाउ मल्टीप्लाई दिस माइनस एक्स विद द होल पॉलिनोमियल, और अब जो बचेगा वो हम यहां पे लिख लेंगे. कैसे? माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कम्स माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स इंटू माइनस फोर एक्स इज प्लस फोर एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू प्लस वन इज माइनस एक्स ओनली. फिर वही सेम स्टेप, साइन चेंज हो गए, माइनस प्लस कट गया, प्लस थ्री माइनस फोर इज माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस थ्री प्लस वन इज प्लस फोर एक्स माइनस वन. नाउ वी हैव टू कैंसल आउट दिस माइनस एक्स स्क्वायर, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बने, बोलो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बट ऑब्वियस है, एक्स स्क्वायर को माइनस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा. सो एक काम करते हैं, यहां पे माइनस वन लगा देते हैं. नाउ दिस कम्स हेयर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस फोर एक्स, माइनस वन प्लस वन माइनस वन ओनली. साइंस चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस कैंसल आउट, प्लस माइनस कैंसल आउट, माइनस प्लस कैंसल आउट, एंड द रिमाइंडर हेयर इज जीरो. अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया आपके पास, तो आप इतना समझ लेना कि आप गलत कर रहे हैं, आपको दोबारा फिर से करना पड़ेगा. मेरा रिमाइंडर जीरो आ गया, इसलिए मुझे दोबारा फिर से करना नहीं पड़ेगा. अब आप यहां ध्यान से देखो, मेरा जीरो रिमाइंडर आ गया, बट मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है करने के लिए. आप देखो, अगर फोर मार्कर का क्वेश्चन है, यहां तक अगर आप करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ टू मार्क्स मिलेंगे. अब नेक्स्ट टू मार्क्स के लिए मुझे क्या करना है, आगे फॉरवर्ड करना है इसको. ये जो मेरा क्वेश्चन आया था, आप इसको कैसे करेंगे, टू, ये जो मेरा टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन आया है, ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, टू. बड़ो वैसे इसमें कितने जीरोस होंगे, दो. और हमारे क्वेश्चन भी हमसे पूछा है कि दो जीरोस दे रखे, तो इसका मतलब ये वाले पॉलिनोमियल से बाकी दो जीरोस हम निकाल लेंगे. कहां से निकालेंगे, ये हमें पता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और वहां से हमारे पास दो जीरोस निकलेंगे. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसा होता है ये भी बता देता हूं. आपने 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 करना है, जो लास्ट टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है उनको मल्टीप्लाई करो. कैसे? माइनस 1 इंटू 2, फाइनल आपका कितना आया, माइनस 2. अब इस माइनस 2 को कुछ इस तरीके से आपने तोड़ना है कि ये जो बीच वाला टर्म है माइनस x, वो माइनस 1 और 2 को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 के बराबर बचना चाहिए, प्लस या माइनस करेंगे तो वो माइनस 1 के बराबर होना चाहिए. कैसे? देखो, 1 इंटू 2 कम्स 2, लेकिन अगर मैं 1 इंटू माइनस 2 कर दूंगा तो कम्स माइनस 2, और अगर 1 माइनस 2 करूंगा तो कितना आएगा, माइनस 1. तो यहां इसको ऐसे लिखूंगा, 2x स्क्वायर, इस टर्म को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करेंगे, प्लस x माइनस 2x, हो गया. फाइनली कितना ये आया, माइनस 2x माइनस 1. अब हम क्या करेंगे, दो टर्म्स ये है, दो टर्म्स ये है, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं. क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेते हैं. हमारे पास बचेगा 2x प्लस 1 माइनस, यहां से 1 कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस माइनस प्लस 1. अल्टीमेटली हमारे पास यहां पे ये ऐसा बच जाएगा, x माइनस 1 एंड दिस कम्स 2x प्लस 1. अब ये क्या है, ये इसके जीरोस है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जीरो के बराबर रख सकते हैं. आप देखिए, जब हमने इसको जीरो के बराबर रखा तो x माइनस 1 भी जीरो के बराबर और 2x प्लस 1 भी जीरो के बराबर. तो यहां से हमारे पास आ जाएगा फाइनली x इज इक्वल्स टू प्लस 1, और यहां आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, ये प्लस 1 उधर जाके माइनस 1, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, माइनस 1 बाय 2. सो फाइनली वी गॉट टू नो अबाउट टू जीरोस, दैट 1 एंड माइनस 1 बाय 2. यहां तक करने के बाद आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे. आपको पता है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन जब हमारे पास सेम आता है, कैसे क्वेश्चन आता है, देखो कोई भी पैटर्न आ सकता है. उसने बोल दिया आपको, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर प्लस रूट टू माइनस रूट टू.
प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री 2017 टू 2018 के सीबीएसई पेपर में आया हुआ था कि फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इफ टू जीरोज आर प्लस रूट फाइव बाई थ्री माइनस रूट फाइव बाई थ्री। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको नीचे एक लिंक में लिख के दूंगा, ये सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व भी करने, इस फॉर्मेट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको उस लिंक से मिलेंगे, आप उसका पहले खुद से सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा तो उस नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डालूंगा।